असल व्यूवर्स, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आईवी चैम्बर हम किस तरह यूज करते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल एमजेड हेल्थ टेक्निशियन, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी मौजूदा और मजीद वीडियो आपको मौसूल होती रहे। इसके लिए हमें चाहिए एक आईवी चैम्बर, 10 की सिरिंज, इंजेक्शन जो हम इसमें यूज़ करेंगे, वाटर जो डायल्यूट करेंगे, और नॉर्मल स्लाइन जिससे हम चैम्बर को फिल करेंगे, और ग्लव्स और टैग जो हम बाद में इसको यूज़ करने के बाद लगाएंगे चैम्बर के ऊपर, ताकि हमें पता हो कि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं। अब सब में पहले हम आपको दिखाते हैं नॉर्मल स्लाइन। नॉर्मल स्लाइन आपने ऐसी लेनी है कि जो हम पेशेंट में बार बार यूज़ कर सकें। तो उसके लिए ये रबर सील में जो होती है ये बेहतरीन होती है, क्योंकि देखें अब हम इसमें अगर यूज़ करते हैं तो दोबारा निकालेंगे तो रबड़ उसको सील कर देता है दोबारा से। तो समय पहले हम इसको नॉर्मल स्लाइन हैंग करेंगे और फिर चैम्बर लेंगे हम। चैम्बर का मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं, इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके लिए चैम्बर के ऊपर दिया हुआ एयर बटन है, हमने इसको लॉक कर दिया, तो इसमें एयर नहीं जाएगी तो फिर ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, चलेगा नहीं ये। तो इसके लिए हम इसको ओपन करेंगे, और इसके अंदर फिल्टर होता है अंदर, ताकि कोई डस्ट वस्ट ना जाए, इसलिए फिल्टर लगा हुआ है। और दूसरा ये कि जब हम कोई इंजेक्शन डालेंगे तो ये पार्ट इस पार्ट से डालेंगे, रबड़ है, जैसे स्टॉपर में जो रबड़ होता है ना, जिस तरह हम निडल के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं, उस तरह इसमें भी है। तो इसके ज़रिए हम इंजेक्शन इसके अंदर ऐड करेंगे, और एक अलग से ये ट्यूब दी हुई है जिसमें कि कनेक्टर है, जो हम इसको ड्रिप सेट की जगह यूज़ करेंगे ड्रिप के अंदर, ताकि इससे हम इस चैम्बर को फिल कर सकें। और ये जो सेट दिया हुआ है ये हम पेशेंट के कैनुले में यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको फिल करते हैं। सब में पहले हम ड्रिप के अंदर इसको लगा देंगे, ताकि ये देखें आप चैम्बर भरना शुरू हो गया। और मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, अगर हम इसको बंद करते हैं तो देखें ये आना बंद हो गया, ठीक है। अब हम इसको, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ आएगी उसके लिए एयर की ज़रूरत होती है, तो ये देखें अब ये आना शुरू हो गया, ठीक है। और इसको हम भरेंगे 90 तक, या 100 भरेंगे, सॉरी 100 तक भरेंगे, क्योंकि 10 ml इस ट्यूब में आ जाएगा पूरा, तो एयर निकालने के हमारे काम आएगा ये। देखिए 50 हो गया है, अभी 50 ml तक। बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि जो आए इसके 100 ml फ्लूड में लगते हैं, डायल्यूट हो गए, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी आप चैम्बर भरेंगे तो ये इसको लॉक कर देंगे यहां से, ताकि फिर वो ट्यूब में एयर ना जाए। ये 90 ml तक हो गया है, और ये देखिए 100 ml तक ये हो गई। अब हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, अभी देखिए आना बंद हो गया यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, देखें बिल्कुल सेफ हो गई, अब अपनी जगह पर आ गई वो नॉर्मल स्लाइन जिससे हमने फिल किया चैम्बर को। तो हमने इसको उतार लिया, अब देखें कहीं से भी लीक नहीं है। तो ऐसी ड्रिप यूज़ करें ताकि हम बार बार यूज़ कर सकें इसी पेशेंट पे, ताकि आपके अमाउंट भी ज़ाया ना हो। और इसका केप लाजमी आप लगा दें, ताकि कोई बैक्टीरिया और जो दूसरी जरासीम है इसमें असर ना करें। और ये इसका हैंगर है, ये हैंगर इसको लटकाने के लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ लटका दिया, अब हम इसमें चैम्बर भरेंगे। ये इसका चैम्बर होता है, ये हमने भर दिया, ताकि ड्रॉप जो गिरेंगे वो एयर ना बनाएं। और अब हम इसको निडल निकाले बगैर एयर खाली करेंगे, ताकि ये बहुत से लोग ज़ाया कर देते हैं ज़्यादा एयर के चक्कर में। ये देखें ये भरना शुरू हो गया, ये देखें ड्रॉप गिरने लगे, तो आप बंद कर दें। ज़रूरी नहीं है कि पूरी आप 2 ml 3 ml ज़ाया कर दें, ये आपकी ट्यूब पूरी फिल हो गई नॉर्मल स्लाइन से, देखें कहीं एयर नहीं है, ठीक है। ये देखें अब हम इसमें इंजेक्शन ऐड करेंगे जो हमने पेशेंट को लगाना है।
ये इसका वाटर है, इसमें डायल्यूट करके हम नॉर्मल साइंस से भी हम इसमें से भी ले सकते हैं, मगर एक चीज जब कंपनी ने दी भी है तो हम उसी को यूज करेंगे। ये देखो अब हम इसको इस जगह पे जहां मैंने बताया था आपको, ये देखें अब ये रेडी है पेशेंट के इस्तेमाल के लिए। मगर एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बताया जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं, किसी आम अफराद के लिए नहीं है ये चीजें, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा उससे इसमें करने की कोशिश ना करें, ये वो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं या मेडिकल जितने भी लोग हैं वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, आम पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये हमने सब चैम्बर तैयार कर लिया, इसमें इंजेक्ट कर दिया उसको ड्रग्स को, अब हम इसमें टैग लगाएंगे ताकि हमें पता हो कि हमने कौन सी ड्रग्स में डाली है, और डेट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे किस टाइम किस डेट पे हमने ये ड्रग यूज़ किए। तो ये देखें ये टैग जहाँ 5, 15, 20 ml ये ml की जो मार्किंग हुई यहाँ पर नहीं लगाएंगे, सारी जगह होती है वहाँ पर हम ये लगा देंगे, ठीक है, ताकि कोई अगर आपकी शिफ्ट चेंज हो जाए तो दूसरा बंदा देख के समझ जाए कि हमने इस टाइम पे ये इंजेक्शन लगा दिया है। तो बस ये इसका इतना सा, अब ये कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप इंतज़ार करें, बहुत जल्द मेरी नई वीडियो आएगी, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन पसंद आ रहा होगा, आप लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।